गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टीटीसी जोधपुर की ऑनलाइन क्लासेस के सीक्वेंस में मैं जितेंद्र जाखड़, लेक्चरर जीपीसी झुंझुनू, आज आपका पुनः स्वागत करता हूँ। पिछली क्लास में हमने मोबाइल कम्युनिकेशन चैप्टर के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था, जो कि हमारे विषय EL 303 का यूनिट 6 है। इस चैप्टर में हमने बात प्रारंभ की थी कि किस प्रकार से मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम डे बाय डे प्रोग्रेस में आया, उसमें कैसे आगे प्रोग्रेस हुई और उसकी क्या लिमिटेशंस थी, और उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए किस प्रकार सेलुलर सिस्टम को लागू किया गया। आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं, बेसिक सेलुलर स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं, यह जो चित्र है यह एक सेलुलर स्ट्रक्चर का उदाहरण है। इसमें छोटे छोटे सेल्स में पूरे एरिया को डिवाइड किया जाता है। मोबाइल जो सिस्टम पहले चलाया गया था उसमें एक लार्ज कवरेज एरिया था, जो कि ड्रॉबैक हमने पढ़े थे उसमें यही पढ़ा था कि एक ही टावर लगाया होता था एक बड़े लार्ज एरिया को कवर करने के लिए, जिसके कारण हम पूरी एफिशिएंसी के साथ हमारे स्पेक्ट्रम को भी यूज़ नहीं कर पा रहे थे और हमें बहुत अधिक पावर को यूज़ लेना पड़ रहा था। इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए हम सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर को काम में लेते हैं। हमने पूरे कवरेज एरिया को छोटे छोटे सेल्स पे डिवाइड कर दिया है और हर ईच सेल के अंदर अपना एक बेस स्टेशन हमने बना दिया है। BS जो यहाँ लिखा गया है चित्र में, इसका अभिप्राय होता है बेस स्टेशन, और जो यूज़र होता है उसके पास जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं MS, मोबाइल स्टेशन। और ये सारे जो बेस स्टेशन हैं ये सारे कनेक्टेड रहते हैं MSC से। MSC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर, और उसे कई बार MTSO भी कहा जाता है, मोबाइल टेलीफोन स्विचिंग ऑफिस भी बोला जाता है उसे कई बार। यूज़र्स के पास में मोबाइल स्टेशन होता है, मोबाइल स्टेशन के माध्यम से वह बेस स्टेशन से जुड़ा रहता है, और सारे बेस स्टेशन जो होते हैं या बेस स्टेशन को हम BTS भी कहते हैं कई बार, जिसे हम बेस ट्रांसीवर सिस्टम भी कहते हैं। तो इस प्रकार से ये कनेक्टेड रहता है। और MSC जो हमारा होता है मोबाइल स्विचिंग सेंटर, यह है हमारा पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क, PSTN नेटवर्क से जुड़ा हुआ रहता है, जो कि हमारा सारा ये MSC और PSTN जो होता है ये फिक्स्ड बैकबोन नेटवर्क होता है, और ये हमारा जुड़ा रहता है जो सेलुलर स्ट्रक्चर से। यूजर्स मोबाइल स्टेशन के माध्यम से कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, और इस प्रकार हम पूरे कवरेज एरिया को छोटे छोटे सेल्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं। अब सेलुलर कंसेप्ट को हम समझने का प्रयास करते हैं कि सेलुलर कंसेप्ट होता क्या है। सेलुलर टेलीफोन सिस्टम मस्ट अकोमोडेट ए लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स ओवर ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया विथ लिमिटेड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम सच दैट विथ लिमिटेड नंबर ऑफ चैनल्स। क्या अभिप्राय इसका कहने का कि हम इसमें क्या करते हैं कि लार्ज कवरेज एरिया को नंबर ऑफ जो हमारी लिमिटेड फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम और चैनल्स हैं उसके माध्यम से इसके अंदर हम उसको लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को अकोमोडेट कर पाते हैं। मोबाइल कम्युनिकेशन थस कॉल फॉर रिप्लेसिंग द हाई पावर ट्रांसमीटर्स बाय लो पावर ट्रांसमीटर्स बाय डिवाइडिंग द कवरेज एरिया इनटू स्मॉल सेगमेंट्स कॉल्ड सेल्स। जैसे कि हमने चित्र में देखा कि जो हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन में जो प्रॉब्लम थी कि एक हाई पावर ट्रांसमीटर हम लगाते थे एक बड़े कवरेज एरिया को कवर करने के लिए, उसके स्थान पर हमने उस सारे एरिया को स्मॉल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है और उनमें लो पावर ट्रांसमीटर्स लगा दिए हैं, और वो जो प्रत्येक एक क्षेत्र है उसे हम एक सेल कहते हैं, और जो हमारा प्रत्येक सेल है उसको हमने क्या दे दिए कुछ अमाउंट फिक्स नंबर ऑफ चैनल प्रोवाइड करा दिए हैं। और ये चैनल इस प्रकार से होते हैं कि जो उसके जो नज़दीकी वाला जो एडजेसेंट वाला जो सेल होता है उससे भिन्न होते हैं, और उन सब का हमने एक ग्रुप बना दिया है जिसे कि हम एक क्लस्टर कहते हैं। क्लस्टर जो होता है बेसिकली उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का एक क्लस्टर में जितने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं उसमें कोई भी चैनल जो है वो रिपीट नहीं होता है, और जो एक क्लस्टर बन जाता है उस क्लस्टर के चैनल्स को हम दोबारा दूसरे क्लस्टर में रीयूज कर पाते हैं। ई सेल हैज ए लो पावर ट्रांसमीटर विथ ए कवरेज एरिया इक्वल टू द एरिया ऑफ ए सेल, कि हर एक टावर में जो हमारा एक सेल है उसमें टावर लगा दिया हमने, उसमें एक पावर ट्रांसमीटर है लो पावर का, और वह उस पूरे सेल को जो है उसको कवरेज प्रदान करता है। दिस टेक्निक ऑफ सब्स्टिट्यूटिंग ए हाई पावर ट्रांसमीटर बाय सेवरल लो पावर ट्रांसमीटर टू सपोर्ट मैनी यूजर्स इन द बैकबोन ऑफ द सेलुलर कंसेप्ट, कि हमारे सेलुलर कंसेप्ट का जो मेन ध्येय है, उद्देश्य है, वो यही है
कि हम एक बड़े क्षेत्र को छोटे छोटे लो पावर ट्रांसमीटर की मदद से और उसको डिवाइड करके हमारे जो एफिशिएंसी को इंक्रीज कर देते हैं, हमारा जो नेटवर्क है उसको मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ में यूज़ में लेते हैं। अब बात करते हैं हम कुछ ऑपरेशनल चैनल्स के बारे में कि मुख्य तौर पे कितने चैनल्स उसमें कार्य करते हैं। तो जो भी चैनल्स हैं उनको मुख्य रूप से चार भागों में बांटा जाता है, उनको चार प्रकार के चैनल्स के रूप में जाना जाता है। पहला जो चैनल आता है वह आता है फॉरवर्ड वॉइस चैनल। फॉरवर्ड वॉइस चैनल वह चैनल होता है जिससे कि हमारा वॉइस ट्रांसमिशन होता है बेस स्टेशन से मोबाइल स्टेशन की तरफ, कि वो बेस स्टेशन कोई सिग्नल जो मोबाइल स्टेशन की तरफ भेज रहा है जिसपे कि वॉइस डेटा ट्रांसफर हो रहा है वह FVC यानी फॉरवर्ड वॉइस चैनल कहलाता है। दूसरा जो हमारा प्रकार का चैनल होता है वह होता है रिवर्स वॉइस चैनल, जिसके अंदर की वॉइस ट्रांसमिशन होता है मोबाइल स्टेशन से बेस स्टेशन की तरफ। तो मोबाइल जो अपना सिग्नल भेज रहा है, वॉइस सिग्नल जो भेज रहा है वह रिवर्स वॉइस चैनल के माध्यम से RVC के माध्यम से भेजता है। तीसरा जो चैनल हमारा होता है वो कंट्रोल चैनल होता है, फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल FCC। यह जो कंट्रोल चैनल होता है ये होता है फॉर कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज ऑफ कॉल सच दैट दे आर यूज फॉर सेटिंग अप कॉल्स एंड टू डाइवर्ट द कॉल टू अनयूज्ड वॉइस चैनल्स, कि हमारा जो कॉल सेटअप होता है आप कॉल जब लगाते हैं तो उसके द्वारा जो भी एक्टिविटी होती है वो और योर जो डाइवर्ट करने का कार्य होता है वह सारा कार्य जो है वो फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल के माध्यम से होता है। हैंस दीज आर कॉल्ड द सेटअप चैनल्स, ये सेटअप चैनल्स कहलाते हैं। द FCC यूज फॉर कंट्रोलिंग सिग्नल पर्पस फ्रॉम बेस स्टेशन टू मोबाइल स्टेशन। FCC जो है वो कंट्रोलिंग करती है बेस स्टेशन से मोबाइल स्टेशन को, और इसका जो विपरीत कार्य होता है कि आप कंट्रोलिंग पर्पस कर रहे हो मोबाइल स्टेशन से बेस स्टेशन पर, वह चैनल जो होता है वो कहलाता है रिवर्स कंट्रोल चैनल RCC। और यह जो चैनल होता है कंट्रोल चैनल्स आर यूजुअली मॉनिटर्ड बाय मोबाइल्स। तो यहाँ हमने क्या समझा कि RCC का जो कंट्रोल है रिवर्स कंट्रोल चैनल्स का जो मॉनिटरिंग है वह मोबाइल स्टेशन के माध्यम से हो रही है, और FCC जो हमारा है फॉरवर्ड कंट्रोल चैनल उसकी जो मॉनिटरिंग होती है वह बेस स्टेशन के माध्यम से होती है। तो कुल मिला के जो भी हमारे चैनल्स हैं उनको चार भागों में विभक्त किया जाता है, दो हमारे वॉइस चैनल्स हैं और दो हमारे कंट्रोल चैनल्स हैं फॉरवर्ड एंड रिवर्स। अब जो आगे बात आती है हमारी वह आती है जनरेशंस ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन, जो विभिन्न जो जनरेशंस आई हैं आगे से आगे उनके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। तो पहली हमारी जो जनरेशन की बात करेंगे हम आफ्टर फर्स्ट जनरेशन, जो फर्स्ट जनरेशन जो हमारी थी वह जो थी वह हमारी जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी पहले UMTS जो हमने पढ़ी थी वो थी। उसके बाद हमारी आई सेकेंड जनरेशन 2G। 2G जो हमारी होती है डिजिटल मॉड्यूलेशन फॉर्मेट होता है, और यह इंट्रोड्यूस किया गया था TDMA/FDD एंड CDMA/FDD। ये जो डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक्स है इनको यूज इसमें किया जाता है। द 2G सिस्टम इंट्रोड्यूस थ्री पॉपुलर TDMA स्टैंडर्ड्स एंड वन पॉपुलर CDMA स्टैंडर्ड इन द मार्केट, कि इसमें तीन दो पॉपुलर स्टैंडर्ड्स थे वो तो थे TDMA के, और एक जो पॉपुलर स्टैंडर्ड था वो था CDMA कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, और TDMA यानी टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। अब हम बात करते हैं जो स्टैंडर्ड्स आते हैं, जो हमने बात करी TDMA/FDD के जो स्टैंडर्ड्स थे उसमें पहला जो स्टैंडर्ड हमारा था वो था GSM, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन GSM। यह हमारा जो था इट वॉज द फर्स्ट फुली डिजिटल यूटिलाइज बाय एट द 900 MHz फ्रीक्वेंसी बैंड। इसका जो प्रारंभिक रूप से यूज़ किया गया था वो 900 MHz पे किया था। अब इसके आगे और फर्दर यूज़ आ गए हैं, 1800 पे भी आ गया है, उससे आगे भी आ गए हैं, पर इनिशियली जो आया था वह 900 MHz के ऊपर फुल्ली डिजिटली सिस्टम यह आया था, और इसमें जो चैनल्स थे वो 200 KHz के रेडियो चैनल्स थे, 8 फुल रेट और 16 हाफ रेट TDMA चैनल्स इसमें किए गए थे। और जो हमारी स्विच पीस थी उनमें इंक्रिप्शन था, लो स्पीड डेटा सर्विस एंड सपोर्ट फॉर SMS फॉर विच इट गेन क्विक पॉपुलैरिटी, कि इसमें हमने SMS की सर्विस प्रोवाइड कराई गई, और हमारी हाई स्पीड लो स्पीड की डेटा सर्विस जो 2G स्पीड हम पढ़ते आ रहे हैं, और उसके अलावा हमारा कॉलिंग जो चैनल था वो इसके अंदर प्रोवाइड कराया गया था। फिर जो दूसरा सिस्टम आया था वो आया था इंटरिम स्टैंडर्ड
136, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं आईएस 136। ये जो है नॉर्थ अमेरिका के अंदर डिजिटली सेलुलर सिस्टम है, नॉर्थ अमेरिका डिजिटल सेटलर से जो सिस्टम है वह इसका उदाहरण आता है। इस सिस्टम के अंदर 3 फुल रेट TDMA यूजर्स थे और ईच चैनल जो था वो 30 किलोहर्ट्स का चैनल था इसके अंदर। इसका जो उदाहरण है जो कि AMPS सिस्टम जो है अमेरिका में वो इसका उदाहरण आता है। नेक्स्ट जो आया था वो आया था पैसिफिक डिजिटल सेलुलर PDC, यह जापान में काम में लिया गया है भाई NADC सिस्टम, और काउंटर पार्ट ऑफ NADC जो अमेरिका में था नॉर्थ अमेरिका के अंदर उसका ये काउंटर पार्ट है जो कि जापान में काम में लिया गया है। और इसका जो मेन एडवांटेज था वो यह था कि लो ट्रांसमिशन बिट रेट थी इसके अंदर, विच लेड टू इट्स बेटर स्पेक्ट्रम यूटिलाइजेशन, कि जो स्पेक्ट्रम जो हमारा था पूरा उसका यूटिलाइजेशन और भी बेटर तरीके से इसके अंदर किया गया था। नेक्स्ट हमने बात की थी CDMA FDD स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो CDMA में जो स्टैंडर्ड आया था वह आया था इंट्रीम स्टैंडर्ड 95, IS 95 स्टैंडर्ड इसमें काम में आता है, और इसको हम पॉपुलरली CDMA 1 के नाम से भी जानते हैं। इट यूजेस 64 ऑर्थोगोनली कोडेड यूजर्स एंड कोड वर्ड्स आर ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली ऑन ईच ऑफ 1.25 MHz चैनल। चैनल साइज जो इसके अंदर थी वो 1.25 MHz की थी, और 64 ऑर्थोगोनली कोडेड जो यूजर्स हैं वो इसमें अपन ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे कि अपन ने CDMA में पहले ही पढ़ा था कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सर, जब हमने बात की थी कि इसमें क्या होता है, हम सूडो रैंडम कोड जो हैं इसमें काम में लेते हैं हमारे डेटा को इनक्रिप्ट करने के लिए। तो हम सेम फ्रीक्वेंसी सेम टाइम पर नंबर ऑफ यूजर्स को चैनल प्रोवाइड करवा सकते हैं। सर्टेन सर्विसेज दैट हैव बीन स्टैंडर्डाइज एज अ पार्ट ऑफ IS 95 स्टैंडर्ड्स आर, जो कुछ सर्विसेज जो थी इसके अंदर वो कौन कौन सी थी, SMS शॉर्ट मैसेज सर्विसेज था, स्लॉटेड पेजिंग, ओवर द एयर एक्टिवेशन मीनिंग द मोबाइल कैन बी एक्टिवेटेड बाय द सर्विस प्रोवाइड विदाउट इट एनी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, कि ऑटोमेटिक आपका फ़ोन जो है वो एक्टिवेट किया जाता था मोबाइल यूजर के द्वारा, जो सब्सक्राइबर के द्वारा। और एनहांस मोबाइल स्टेशन आइडेंटिफिकेशन, मोबाइल सब स्टेशन आइडेंटिफिकेशन के अंदर एनहांस सर्विसेज के अंदर प्रोवाइड करवाई गई थी। उसके बाद हमारी जो जनरेशन आई थी वो आई थी 2.5G जनरेशन। इसमें जो था बेसिकली कुछ स्टैंडर्ड बेनिफिट्स आगे दिए गए थे कि वो क्या है? जो अपग्रेडेशन थे 2G के अंदर कि इट सपोर्ट्स हायर डेटा रेट ट्रांसमिशन फॉर वेब ब्राउजिंग, कि जो हमारी लो रेट पे जो वेब डेटा ट्रांसमिशन हो रहा था वह उसके अंदर एक हाई डेटा रेट पे ट्रांसमिशन प्रोवाइड कराया गया था, और साथ ही ये ईमेल ट्रैफिक को भी सपोर्ट करता है। और इनेबलिंग लोकेशन बेस्ड मोबाइल सर्विसेज, कि लोकेशन बेस्ड मोबाइल सर्विसेज का भी इसमें बेनिफिट प्रोवाइड किया गया था 2G में। ये अमेंडमेंट करके 2.5G नेटवर्क डिज़ाइन किया गया था। इसके अंदर और फर्दर हम बात करें कि ये क्या क्या और एप्लीकेशन सपोर्ट कर रहा था, तो वो कर रहा था वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल वेब, ग्लोबल पैकेट रेडियो सर्विसेज GPRS की सर्विस प्रोवाइड कराएगी इसके अंदर, हाई स्पीड सर्किट स्विच डेटा HSCSD ये प्रोवाइड कराया गया था इसमें, और एनहांस डेटा रेट फॉर GSM रिवोल्यूशन एज सर्विस, जो हमारा सेकेंड जनरेशन की तुलना में अधिक स्पीड से जो डेटा ट्रांसमिशन आता है वह एज के माध्यम से आता है, डेटा रेट इसमें इंक्रीज कर दी गई। उसके बाद हमारी जो जनरेशन आई वो आई है थर्ड जनरेशन। इसके अंदर जो स्टैंडर्ड्स काम में आते हैं, इट इज बेस्ड ऑन द इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन फैमिली स्टैंडर्ड्स IMT 2000। ITU जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसने IMT 2000 स्टैंडर्ड इसमें दिया है जिसके भी ऊपर ये कार्य करता है। टारगेट्स टू इम्प्लीमेंट अ ग्लोबल फ्रिक्वेंसी बैंड दैट वुड सपोर्ट अ सिंगल यूबिकेटस वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड फॉर ऑल कंट्रीज, कि सारी कंट्रीज के लिए एक सिंगल कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड वायरलेस स्टैंडर्ड को ये फॉलो करता है। टू प्रोवाइड द फ्रेमवर्क फॉर द डेफिनेशन ऑफ द 3G मोबाइल सिस्टम, कि ऑल कंट्रीज के अंदर एक सिंगल ये स्टैंडर्ड को प्रोवाइड कराता है, और वो जो स्टैंडर्ड था हमारा वो कौन सा था, IMT 2000 फ्रेमवर्क। 3G नेटवर्क एनेबल्ड नेटवर्क ऑपरेटर्स टू ऑफर ए यूजर ए वाइड रेंज ऑफ मोर एडवांस सर्विसेज, एक वाइड रेंज की सर्विसेज को प्रोवाइड कराने के लिए नेटवर्क ऑपरेटर्स को ऑप्शन मिला इसके अंदर, और वह क्या थी, वाइड एरिया वायरलेस वॉइस टेलीफोनी, वीडियो कॉल्स और ब्रॉडबैंड वायरलेस डेटा सर्विसेज जो हैं वो 3G में हमें मिली, कि हमारे लिए वीडियो कॉल भी संभव हो पाया और साथ ही साथ ब्रॉडबैंड वायरलेस डेटा भी इसमें मोबाइल एनवायरनमेंट के अंदर संभव हो पाया।
एडिशनल जो फीचर था वो था HSPA डेटा ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी, जो कि हाई स्पीड था, 14.4 मेगाबिट पर सेकेंड, और डाउनलिंक के लिए और अपलिंक के लिए 5.8 Mbps मेगाबिट पर सेकेंड की स्पीड भी हमें इसमें मिल पाई। उसके बाद जो ये जो टेक्नोलॉजी है हमारी IMT 2000 है, इसकी कुछ टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स थी, उसको हम अगर समझने का प्रयास करें यहाँ पर, तो क्या क्या थी। हाई डेटा रेट थी इसके अंदर, 144 KBPS इन ऑल इन्वायरमेंट एंड 2 Mbps इन लो मोबिलिटी एंड इंडोर इन्वायरमेंट, कि आपको अच्छी डेटा रेट ये प्रोवाइड करा रहा था। सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल डेटा ट्रांसमिशन आप इसमें कर सकते थे। सर्किट स्विच्ड एंड पैकेट स्विच्ड बेस्ड सर्विसेज आपको इसमें प्रदान हो रही थी। स्पीड क्वालिटी कंपेरेबल टू वायरलाइन क्वालिटी, कि आपकी वायरलाइन क्वालिटी जो अच्छी स्पीड प्रदान करता है उसी के अकॉर्डिंग ये स्पीड कंपेरेबिलिटी क्वालिटी देने के लिए ये आपको सक्षम है। इम्प्रूव्ड स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी, कि आपका स्पेक्ट्रम जो है, एफिशिएंसी स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है, उसको बड़े ही एफिशिएंटली ये काम में ले रहा था। सेवरल साइमल्टेनियस सर्विसेज टू एंड यूजर्स फॉर मल्टीमीडिया सर्विसेज, कि आपके वॉइस के अतिरिक्त आपका वीडियो चलना है आपका, उसके अलावा आप वीडियो कॉलिंग कर रहे हो, ब्राउजिंग कर रहे हो, ये सारी साइमल्टेनियस सर्विसेज 3G के अंदर प्रोवाइड हुई। सीमलेस इनकॉर्पोरेशन ऑफ सेकेंड जनरेशन सेलुलर सिस्टम, ग्लोबल रोमिंग आपको प्रोवाइड हुई, रोमिंग इजिली आपके लिए संभव हो पाई। ओपन आर्किटेक्चर फॉर द रैपिड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू सर्विसेज एंड टेक्नोलॉजीज, कि एक ओपन आर्किटेक्चर डिजाइन हुआ जिसमें कि आप इजिली आपका ग्रोथ हो सके न्यू सर्विसेज का और टेक्नोलॉजीज का। इसके अंदर एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड 3D थर्ड जनरेशन पार्टनरशिप प्रोजेक्ट, 3GPP जो है, उसने IMT 2000 स्टैंडर्ड को डिफाइन किया और उसके हिसाब से हमारा जो स्टैंडर्ड डिजाइन हुआ उसको हम बोलते हैं UMTS, यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। और ये जो स्टैंडर्ड है इसके अंदर आपके मुख्य रूप से 5 फ्रेमवर्क बताए गए। इसके अंदर WCDMA, CDMA 2000, CDMA 2000 EV एंड CDMA 2000 3X एंड TD-SCDMA, ये 5 जो हैं आपके स्टैंडर्ड्स थे 3G फ्रेमवर्क के, जो कि IMT 2000 के ऊपर इसमें कार्य करते हैं, एक्सेस टेक्नोलॉजीज के अंदर कार्य करते हैं।